reactions of ammonia derivatives. इससे last lecture के अंदर हम लोगों ने exactly यही topic start किया था. उसके अंदर हम लोगों ने mechanism देखा था कि किस तरीके से ammonia के जो derivatives हैं different shape के, जिनके general formula आपके पास NH, H and then G attached here. There is a free lone pair of electron here which makes it a weak nucleophile. और इस वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हमें एसिडिक बीच में रीजन चूज करना पड़ता है और वो एसिडिक रीजन जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल को एनहांस करता है, हेल्प करता है कि ये जाके कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जाके अटैक करे. अच्छा, हमने जो अभी तक मैकेनिज्म देखा है, मैं जस्ट इन शॉर्ट टाइम में आपको भी बता देता हूँ हमने क्या देखा है कि एक H+ आता है, वो जाके यहाँ पे अटैक करता है, ऑक्सीजन H को अटैक करता है, यहाँ से जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से फिर ये चीज आके अटैक करती है कार्बन को, ठीक है, और ये चीज एग्जैक्टली नीचे जाके अटैच हो जाती है, बॉन्ड बना लेती है उसके साथ, कार्बन के साथ. सो यहाँ पे हम नाइट्रोजन, टू हाइड्रोजन एट द साइड्स एंड देन जी अटैच्ड है, बट इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके बॉन्ड ज्यादा हो गए हैं, सो यू रिमूव दिस प्रोटॉन जो यहाँ से शुरू में आपने वहां पे ऐड किया था, ये येलो वाला समझ लो, ये यहाँ से वापस बाहर निकल गया, ठीक है. अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर ओ एच और एक के ऊपर एच लगा हुआ है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इस कंपाउंड की, ठीक है, और यहाँ से ओ एच रिमूव हो जाता है कार्बन से और नाइट्रोजन से H रिमूव हो जाता है और ये दोनों आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं और दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. C के ऊपर नीचे एक आम खाली होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन बॉन्डेड विद दिस ग्रुप, व्हाटसोएवर दिस ग्रुप इज. अच्छा, इसी रिएक्शन को समझने के लिए एक थोड़ा सा बहुत ही इंतहाई इजी और थोड़ा कह लो स्टूपिड तरीका भी है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज टू डू दिस, के आप यूं इमेजिन करो आर टू डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देन लेट अस से कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, एच एच और यहाँ पे कोई एक जी ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज द लोन पेयर हियर. जो भी होगा फाइनली प्रोडक्ट हमने देख लिया है कि कुछ इस शेप का होगा कि उसके अंदर से डिहाइड्रेशन होगी एक तो H2O रिमूव होगा, ठीक है. वैसे जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो तो अब आपको समझ आ जाने चाहिए. सबसे पहले ये होगा कि एक H+ आएगा, वो आके इसको अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन इसको अटैक करेगा, वो पूरा आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन अटैच होने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये प्रोटॉन यहाँ से दोबारा सेपरेट हो जाएगा और प्रोटॉन सेपरेट होने के बाद नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पार्ट जो है और जो कार्बन का हाइड्रोक्सिल पार्ट दोनों सेपरेट होंगे. एंड प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा कुछ ऐसा होगा कि ये वाला R1 और R2 तो अभी भी लगा रहेगा, C जो है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ और सिंगल बॉन्ड विद G, ठीक है, यही होगा ना. अगर ऊपर आप इमेजिन करो, यहाँ पे सिंपली मैंने R1 और R2 पुट किया है ना, तो हमेशा आपके पास प्रोडक्ट यही बनता है. अब इजी वे इसमें ये है, अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल पे थोड़ा सा गौर करो, हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली ये कर रहे हैं इस O, इस H और इस H को H2O की फॉर्म में रिमूव करवा रहे हैं और जो भी चीज पीछे बच गई है उसको एक लाइन में हम लिख रहे हैं. सो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये इसको काइंड ऑफ रटने का आसान तरीका है, ठीक है, बट टेक्निकली यू शुड अंडरस्टैंड के पीछे इसके मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है. सो अब हम एग्जैक्ट बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोक्सिल-एमिन का रिएक्शन देखना चाह रहे हो, हाइड्रोक्सिल-एमिन ये लेक्चर पिछले लेक्चर की एक्सटेंशन है, सो आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा हुआ तो. हाइड्रोक्सिल-एमिन जो है इट इज बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव इन विच यू हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू NH2 और इसका आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हो सी डबल बॉन्ड O. अब आप किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू द रिएक्शन विद ये जो भी मैंने बनाया, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड सॉरी एसिटल्डिहाइड या एथेनल. अगर आप एथेनल का रिएक्शन करवाते हो सो यू नो के अभी आपको मैंने तरीका बताया कि अगर आप यहां से एक H
ये H और ये वाला O रिमूव करा दो, ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ अ ट्रायड, तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, C के यहाँ पे CH3, नीचे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एंड देन ओ एच, ठीक है, तो ये आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वही प्रोडक्ट की शेप वही है, देखो सी एन जी ही है, सी एन और ये ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेमिन के केस में जी होता है। ये जो अभी हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना, इसको हम ऑक्सिमा बोलते हैं या ऑक्सिम बोलते हैं। ऑक्सिमस केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें आपके पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन पे एक ओ एच हो और यहाँ पे कोई भी आर वन और आर टू दो अल्काइल चेन्स लगी हुई हो या एरल चेन्स हो या आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, सो ऐसे प्रोडक्ट को हम ऑक्सिमा बोलते हैं। और ऑक्सिमा जिस चीज से डिराइव होता है उसके पीछे वो वाला नाम लगा दिया जाता है, मसलन ये एथेनल से हमने डिराइव किया है, सो वी वुड कॉल इट एथेनल ऑक्सिमा। अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस रिएक्शन इज कि आप देखो, आप दो चीजों को, ये एक चीज है जो कि एक एल्डिहाइड है इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देन ये एक और चीज है, इन दोनों को मिला के एक ही नई चीज बना रहे हो इस शेप की, ठीक है, और वाटर साथ से रिमूव कर रहे हो। अगर आप रिकॉल करो जब हमने कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो तब भी तो हमने यही बात की थी कि दो छोटी चीजें जो हैं वो मिलके जब एक बड़ी चीज बनाती हैं विद और विदाउट लूजिंग सम पार्ट ऑफ देम, अब इस सिचुएशन में एक पार्ट अपना वो लूज कर रही है H2O, ठीक है, तो प्लस H2O, सो इसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हो। सो ये इन द प्रेजेंट सिचुएशन भी आप कंडेंसेशन ही कर रहे हो, ठीक है, दो छोटी चीजें मिलके एक बड़ी चीज बना रही है। सो ये जो आपके पास कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल एमिन यील्ड्स ऑक्सिमस, ठीक है, दिस इज अ वेरी टेक्निकल स्टेटमेंट, यू विल फाइंड इट एनीवेयर यू सर्च दिस, कंडेंसेशन of hydroxyl amines with ketones and aldehydes yields corresponding oximes, ठीक है, मसलन अगर आप ethanol से लेके चलते हो कहानी, ठीक है, ethanol से लेके चलते हो और ethanol के अंदर आप हाइड्रोक्सिल एमिन डालते हो, हाइड्रोक्सिल एमिन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे एथेनल ऑक्सिमा, ठीक है, एथेनल ऑक्सिमा। सिमिलरली अगर आप प्रोपेनल से चलते हैं सो आई वुड कॉल इट प्रोपेनल ऑक्सिमा, आप पेंटेनल से चलते हैं आई वुड कॉल इट पेंटेनल ऑक्सिमा, यू कुड इवन स्टार्ट फ्रॉम अ कीटोन, इट डजंट मैटर, आप एक तरफ एच अगर ना लगाओ दोनों तरफ अल्काइल चेन्स लगा दो, सो इट वुड देन बिकम अ कीटोन, लेट्स से यू टेक अ ब्यूटेनोन and then you add the same hydroxyl amine, as a result you would form butanone, butanone oxima, ठीक है, so this is your first reaction, very simple one, इसमें आप condensation करवा रहे हो hydroxyl amines की with ketones and aldehydes, ठीक है, इससे जो next reaction है, again that is a condensation reaction, ये सारे रिएक्शन जो आज हम देखने जा रहे हैं ये सब कंडेंसेशन रिएक्शन हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे हाइड्रोजीन का। अब जितना मैकेनिज्म आप सीख चुके हुए हो इसका प्रोडक्ट अब आपको खुद बना लेना चाहिए। आप कोई भी मसलन अगेन हम एसिटल्डिहाइड ही लेते हैं या एथेनल ही लेते हैं या बल्कि एसीटोन ले लेते हैं, डजेंट मैटर, आप एसीटोन लो और इसका आपने रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजीन के साथ। अब हाइड्रोजीन क्या चीज होती है, NH2 को हम बोलते हैं ना, ये आपके पास हाइड्रोजीन है, तो अगेन मैंने आपको क्या मेथड बताया था, वैसे तो पूरा मैकेनिज्म अप्लाई होगा बट इन शॉर्ट अगर आप देखो ये ऑक्सीजन और ये वाले दो हाइड्रोजन जो हैं ये एक ट्राइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे एंड देन जो आपके पास पीछे पार्ट बचेगा दैट वुड बी CH3 डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, H and H, ठीक है, this is your product and ये जो product है we call it
a hydrozone. Hydrozone. ठीक है, हाइड्रोजोन किस चीज को बोला जाता है? हाइड्रोजोन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें C डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन हो, सिंगल बॉन्डेड विद N, और यहां पे आपके पास R1, R2, R3 एंड R4 हो. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को इन जनरल हम लोग हाइड्रोजोन्स बोलते हैं. ठीक है, सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास जिस कंपाउंड से आप स्टार्ट करते हो ना, उसका नाम आप पीछे लिख देते हो और आगे आप हाइड्रोजोन लिख देते हो. चूंकि आपने कहां से कहानी स्टार्ट की थी, यू स्टार्टेड फ्रॉम सिंपली हमने बात स्टार्ट की थी दैट दिस इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या एसीटोन. सो वी वुड कॉल इट, ये जो नीचे कंपाउंड बना है ऊपर, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हाइड्रोजोन, प्रोपेनोन हाइड्रोजोन, और यू कुड कॉल इट एसीटोन हाइड्रोजोन. ठीक है, इसको, इस कंपाउंड को आप एसीटोन भी बोलते हो, प्रोपेनोन भी बोलते हो, जहां से हमने स्टार्ट किया था. इसके अलावा अगर आप कोई और चीज लेते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था. यहाँ पे आप आर वन पुट कर दो, यहाँ पे आप आर टू पुट कर दो, और इसका अगर आप रिएक्शन करवा दो तो होना तो वही है, बनना तो कुछ वैसा ही है ना. सिर्फ आपने दो एच रिमूव करने हैं और यहां से एक ओ रिमूव करा देना. इन तीनों को आप रिमूव कर दो और इन दोनों को आपस में आप डबल बॉन्ड कर दो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट फिर बन जाना है. और इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये जो जी है आपके पास, ये क्या चीज है? ये बताते खुद एक NH2 लगा हुआ है. ठीक है, सो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हमेशा कुछ इस शेप का आता है. इसके अलावा इससे नेक्स्ट जो कैटेगरी है रिएक्शंस की, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फेनल हाइड्रोजीन, फेनल हाइड्रोजीन. फेनल हाइड्रोजीन वी हैव ऑलरेडी सीन कि इनकी शेप कैसी होती है. You have a hydrazine, nitrogen, H, nitrogen, H. अब यहां से आप एक H की जगह आप यहां पे क्या करो कि एक benzene ring लगा दो. So this is called phenyl hydrazine. इस phenyl hydrazine का अगर मैं reaction करवाऊंगा किसी भी compound के साथ, doesn't matter आप किसके साथ करवा रहे हो, so overall your product would again be the same. ये आपके पास यहां पे benzene ring है ना, यहां पे carbonyl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लेट्स कॉल इट R1 एंड लेट्स कॉल इट R2, या R1 और R2 कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो. इफ यू डू दिस रिएक्शन, इंटरेस्टिंगली अगेन सेम थिंग हैपेंस, दिस एच एंड दिस ओ आर गोइंग टू फॉर्म वाटर. ठीक है, एंड द पार्ट व्हिच रिमेन्स देन इज सी बॉन्डेड विद R1, R2, और ये डबल बॉन्ड आपका N के साथ शिफ्ट हो जाएगा. एंड देन अनदर इस N के ऊपर नीचे पहले दो H लगे हुए थे, बट अब ये दोनों H जो हैं ये खत्म हो चुके होंगे. साथ एक और N है, उसके साथ एक तरफ को H लगा हुआ है और दूसरी तरफ को उसके बेंजीन रिंग लगा हुआ है. बेंजीन रिंग वैसे तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फेनिल ग्रुप होता है, आपने बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया है तभी तो उसकी एक आर्म खाली हुई है ना, तभी तो वो बॉन्ड बना रहा है वहां पे. सो फेनिल ग्रुप हैज द फॉर्मूला C6H5. ठीक है, सो यू कुड आइदर राइट इट C6H5 हियर, और आप ये तस्वीर यहाँ पे बना दो, दे मीन द सेम थिंग. सो यू कुड देन राइट CR1R2 बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, एंड देन दिस नाइट्रोजन NH C6H5. ठीक है, सो ये रिएक्शन होता है अगर फेनिल हाइड्रोजीन को रिएक्ट करवाया जाए, कंडेंस करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्डिहाइड, व्हाटएवर एल्डिहाइड या कीटोन यू आर यूजिंग. और जो इस सिचुएशन में आपके पास प्रोडक्ट बनता है, अगेन देखो ये कुछ वैसी चीज बन गई है जैसे ऊपर था, मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जो चीज होती है इसको आप हाइड्रोजोन बोलते हो. ठीक है, CNN और यहाँ पे R1, R2, R3, R4, तो इसमें भी आप देखो यही कुछ हो रहा है, CNN, R1, R2, R3 एंड R4. फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक फेनिल ग्रुप भी अटैच्ड है, जहां पे वैसे वहां पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता था. सो इसको हम हाइड्रोजोन ही बोलते हैं, बट इन पर्टिकुलर इस हाइड्रोजोन का जो खास नाम है दैट इज फेनिल हाइड्रोजोन, क्योंकि इस हाइड्रोजोन के ऊपर आपके पास फेनिल ग्रुप अटैच्ड है. और जहां से आप लेके चलते हो ना, मसलन आपने अगर एसिटल्डिहाइड से कहानी स्टार्ट की है और एसिटल्डिहाइड को आपने कंडेंस करवाया है इस फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, सो देन यू वुड कॉल इट एसिटल्डिहाइड
फेनिल हाइड्रोजोन, ये जो अभी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम ये नाम दे देंगे। इसका जनरल नाम है, इसका आईयूपीएसी जो नाम होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ये जो आप हाइड्रोजोन या ऑक्सिमस ये जो आप नाम दे रहे हो, ये जो है ये इनके जनरल नाम है, कॉमन नाम है इन नामों से, ये कैटेगरी है कंपाउंड्स की, ठीक है। बट इनका एग्जैक्ट नाम जो होगा वो डेफिनेटली आईयूपीएसी रूल्स के मुताबिक आप इसको दोगे। इसके बाद आपके पास फाइनल चीज एक रह गई है 2,4-DNPH, इसके रिएक्शन अब हमने देखने हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज 2,4-DNPH। 2,4-DNPH में भी अगेन यही होगा आपके पास R1, R2 एंड देन अ कार्बोनाइल, और इसका अब हमने रिएक्शन करवाना है 2,4-DNPH के साथ। अच्छा, 2,4-DNPH को थोड़ा सा एहतियात से हमने बनाना है क्योंकि ये थोड़ा सा अमूमन गलत बन जाता है। आपने NHH, सबसे पहले तो हाइड्रोजीन बनाओ ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए आप बना क्या रहे हो। हाइड्रोजीन के एक हाइड्रोजन के ऊपर आप बेंजीन रिंग अटैच कर दो, यहां तक भी क्लियर है। या आपने बेंजीन रिंग अटैच कर दी, या फेनिल ग्रुप बेसिकली आपने लगा दिया, और अब आप इसकी नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। या बेसिकली नंबरिंग हम 4 तक ही करते हैं, इट इज आइदर साइड एक ही बात है। आप 2 लोकेशन पे NO2 लगा दो और 4 लोकेशन पे NO2 लगा दो, ठीक है, बिकॉज इट इज 2,4 डाई नाइट्रो, सो देयर 2 और 4 लोकेशन पे आपने 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए। ये आपके पास 2,4-DNPH हो गया। इन दोनों का अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी हैव बीन सेइंग बिफोर, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू फॉर्म H2O, and then the other product is going to be simply R1, R2, and then C would be double bonded with this nitrogen, and then single bonded nitrogen, NH here, और पीछे पूरी की पूरी पूरा स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली वही रहेगा, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रो और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू सी कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 2,4-dinitrophenylhydrazine है, ठीक है। जहां जिस चीज को आप लेके चलोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो चीज ली, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, सो ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आप इसको नाम दोगे फॉर्मल्डिहाइड 2,4-DNPH। अब अगेन लेट इट बी वेरी क्लियर कि ये जो नाम हम इसको दे रहे हैं ये इसका कॉमन नाम है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक ये नाम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से कहानी स्टार्ट करता एसीटोन से या ब्यूटेनोन से या पेंटेनोन से, सो आई वुड सिंपली राइट पेंटेनोन 2,4-DNPH, ठीक है। लेट्स हैव अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ। आज हमने 4 किस्म के रिएक्शंस देखे हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमने देखा है हाइड्रोक्सिल-एमिन का। हाइड्रोक्सिल-एमिन जब रिएक्ट करता है सो ये जो कंपाउंड यील्ड करता है उनको हम ऑक्सिमस बोलते हैं। ऑक्सिमस की जनरल शेप कुछ ऐसी होती है कि C डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन और साथ एक OH लगा हुआ होता है। अच्छा, ऑक्सिमस जो है ये सिर्फ तभी केमिस्ट्री में बनाए जा सकते हैं अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन को कंडेंस करो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल-एमिन, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन की एक टाइप है और आगे भी ये सारे के सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। आप जिस एल्डिहाइड या कीटोन से स्टार्ट करते हो ना कहानी, उसका नाम आप लिखते हो और आगे आप ऑक्सिमल लिख देते हो। सो ये जो आपके पास प्रोडक्ट होता है ये इसका कॉमन नेम कहलाता है। द सेकेंड रिएक्शन दैट वी हैव सीन वॉज फॉर हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के केस में वी सॉ के NH2 को बोलते हैं, तो सिंपली आप किसी भी आइदर साइड से इस साइड वाले 2 हाइड्रोजन या इस साइड वाले 2 हाइड्रोजन आप रिमूव करवा देते हो, ठीक है। एंड देन द नाइट्रोजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद कार्बन और ऑक्सीजन वहां से रिमूव चुके हो चुका है और दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इस शेप को हम बेसिकली हाइड्रोजोन बोलते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजोन जिसमें आपके पास CNN, ठीक है, और बाकी R1, R2, R3, R4 could be anything. R1 और R2 जो होता है उसके हिसाब से आप पीछे नाम लिख देते हो। मसलन अगर R1 और R2 की वैल्यू CH3 है, सो ये इसका मतलब ये है कि आपने कहानी एसीटोन से स्टार्ट की थी या प्रोपेनोन से। एसीटोन एंड प्रोपेनोन आर द सेम थिंग, सो एसीटोन एंड प्रोपेनोन हाइड्रोजोन इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा।
Similarly, then there is phenyl-hydrazine, in which hydrazine ke upar ek phenyl group attached hota hai. Kisi cheez pe koi fark nahi padta, simply ye ho jata hai ki jo aapka final product kehlata hai, that is then called phenyl-hydrazone instead of hydrazone. Aur jis cheez se aap start karte ho, uska naam aap sabse pehle likh dete ho, and then this is your condensation product. Then we saw ke 2,4-DNPH, it reacts, 2,4-DNPH reacts, and the product is then called the first compound, ya substrate. Substrate ka naam aap likhte ho aur saath aage aap 2,4-DNPH likh dete ho. This is it for this lecture and these lectures in particular. Is the next lecture ke andar hum log alcohols ke reactions dekhenge, ke how do alcohols react with aldehydes and ketones, and then later in this chapter we are going to see reduction and oxidation reactions of aldehydes and ketones, aur uske baad phir ye chapter finish ho jayega.